राजधानी दिल्ली में मौसम बदलने और हवा की गति कम होने से वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। देश भर में 221 शहरों में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक छठे स्थान पर रहा। अक्टूबर में NCR के मुकाबले पहली बार दिल्ली में सोमवार को हवा बेहद खराब रही। मंगलवार को भी प्रदूषण से बेहद खराब हालात हैं। दिल्ली में कई इलाकों में AQI 400 के पार है। मुंडका में 430, रोहिणी में 412, वजीरपुर में 395, बवाना में 385, आनंद विहार में 381, सोनिया विहार में 375, विवेक विहार में 395, सादीपुर में 375, पंजाबी बाग में 385, IGI एयरपोर्ट में 323 AQI दर्ज किया गया है। कल दिल्ली NCR में दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा की हवा बेहद खराब श्रेणी में रही। दिल्ली की हवा समग्र रूप से बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। कमोबेश यही स्थिति पूरे सप्ताह तक बने रहने का अनुमान है। दीपावली से पहले ही दिल्ली धीरे धीरे गैस की चैम्बर की ओर बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार हवा में पराली और वाहनों और फैक्ट्रियों का धुआं घुल रहा है। ऐसे में हवा की गति कम होने से प्रदूषण के कण हवा में ठहर रहे हैं, जिससे हवा प्रदूषित हो रही है। अगर इसी तरीके की स्थिति बनी रही तो ग्रैप का तीसरा चरण लागू किया जा सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सोमवार को देश भर में 221 शहरों में दिल्ली की हवा छठे स्थान पर रही, सबसे अधिक प्रदूषित भी मानी गई। इसमें हनुमानगढ़ में AQI 428 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में रहा। वहीं जींद में 416, बठिंडा में 381, श्रीगंगानगर में 368 और बहादुरगढ़ में 362 AQI दर्ज किया गया। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सोमवार को हवाएं उत्तर पूर्वी दिशा की ओर चली। इस दौरान गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मंगलवार को हवाएं दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशाओं से चलने का अनुमान है। इस दौरान गति 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं सुबह के समय हल्की धुंध छाए रहने का अनुमान है। ऐसे में हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी। वहीं बुधवार को हवाएं उत्तर पूर्वी दिशा की ओर से चलेंगी। हवा की चाल से 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। सफर इंडिया के मुताबिक शनिवार को दिल्ली में PM 2.5 की मात्रा में लगभग 155 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में। PM 10 की मात्रा करीब 322 दर्ज की गई, जो कि गंभीर स्तर है। दिल्ली BJP प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रदूषण पर काबू पाने के मामले में विफल हो गए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों को फसल अवशेष जलाने का विकल्प ढूंढने में मदद नहीं की। इस कारण पंजाब सहित पूरे उत्तर भारत के लोगों को जहरीली हवा का सामना करना पड़ रहा है। सचदेवा ने कहा कि पंजाब से आ रही जहरीली हवा के कारण दिल्ली के आनंद विहार में AQI 500 के पार पहुंच गया है। वहीं नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे अधिकांश NCR शहरों में भी सोमवार की सुबह की गुणवत्ता बहुत खराब दर्ज की गई है। हालांकि गुरुग्राम के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बेहतर AQI दर्ज किया गया है। रविवार को दिल्ली का AQI 325 था, जबकि पड़ोसी क्षेत्रों में गाजियाबाद में 286, फरीदाबाद में 309, गुरुग्राम में 198, नोएडा में 281, ग्रेटर नोएडा में 344 AQI दर्ज किया गया। आज केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुबह 6 बजे के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में AQI बहुत खराब दर्ज किया गया है। अशोक विहार में 352, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 में 331, ITO में 302, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 301, लोधी रोड 273, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस 382, RKpuram 338, पंजाबी बाग 375, पूसा 286 और ओखला फेज 2 386 दर्ज किया गया। आनंद विहार जैसे कुछ जगह प्रमुख हॉटस्पॉट का डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। VideoDesk.com अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।